bound to do this oh what's that देखो तो कब निकल रहे थे कैनवस से भारत बीवीवी सब साथ में थे मैं मोनिका को बोल रहा था मैंने कहा एक महीने में पोस्टर लगेगा मेरा यहां और दो तीन महीने में तो नेटफ्लिक्स अरे 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 आठ साल हो गए अभी तक नेटफ्लिक्स से फोन नहीं आया अभी तक सात महीने बाद पहला सोलो शो और उसका पोस्टर बनाया था इंडिया टूर उसमें था दिल्ली गुड़गांव बैंगलोर मैंने देखा था इन तीन शहर में दोस्त बहुत है, एक शो था जो हमने रात को बजे शुरू किया और हमने सुबह पांच बजे तो वैसी गर्मी मुझे मुझे हो गया। <laughs> <laughs> लोग मर्दों को होता भी नहीं पर मुझे होता। पेरेंटिंग स्टाइल बड़ा सिंपल था यार कोई नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक दिन सड़क पर चल रहा हूँ सुभाष गई की कार आएगी तुम तुम ही ही हो तुमी दिक हो, दिक हो। के बाद तू आजा देखो देखो अगर तुमने नहीं देखी है प्लीज मैंने प्यार किया देखो। देखो। उसके इमोशंस को समझने बाबूजी मैं फिर पैसे कमा के यही सिखाएगा तुम्हें तो जो मुझे जानती थी यही लगी हुई है ये तो मैंने कहा आप सत्यनारायण की पूजा की नहीं कराते तब मेरे को जेनली उस टाइम पे लगा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी अच्छा फट गई। फटे थी एकदम बिकॉज देन आई वाज लाइक नो गोइंग बैक नाउ हेलो एवरीवन दिस इज अपूर्व गुप्ता गुप्ता जी तो गाइज मुद्दा ऐसा है पिछले दस साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है इस चीज़ से बहुत सारा हंसाया है लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए तो मैं ला रहा हूं एक शो इस शो में होगा क्या इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूं जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं। और मैं वो चाहता हूं कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में एक फन वे में एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊं सो गाइज प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी हेलो एवरीवन वेलकम टू काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी और आज हमारे साथ बताऊं मैं कौन से इंसान है वो इंसान है जिन्होंने एक मूवी देखी और उस मूवी को देखने के बाद इन्होंने अपना करियर शिफ्ट मार दिया आप गेस्ट कर सकते हो कौन सी मूवी थी मैं गेस्ट करके बता भी सकता हूं लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा अंशु वो सर को कैसे हैं सर आप ऑल गुड यार ऑल गुड आपको वो, वो मूवी का नाम याद है वो पिक्चर देखनी नहीं चाहिए थी अरे सर ठीक ठाक ही चल रहा था पता जब आप आ, आ रहे थे ना उससे पहले मैंने उसी मूवी के गाने चलाए हुए थे वो तो उसके बाद अचानक वो कौन सी ले गई ले गई आ गया था वो पता नहीं कैसे बट उसको मेरी प्ले ज्यादा पसंद आ गई उस मूवी का नाम था तमाशा तो तमाशा मूवी साइने देखी 2016 17 में आई थिंक इम्तियाज अली मुझे मिल गया अली। ना किसी दिन अरे नहीं मिले अभी तक भी अरे भी आपके फेवरेट डायरेक्टर होंगे मेरे को लगा मैंने इसको इतना प्रमोट किया है तमाशा को ना हाँ मैंने एक बार इम्तियाज अली को फॉलो किया मुझे जनरली ल कुछ नहीं आया <laughs> <laughs> कुछ नहीं आया वो कह रहा है सर आपके जैसे पचास सौ लोग है जिन्होंने <laughs> काफी लोग उससे पहले बताओ। ना ना? ये कोई नहीं है। है। हम लोग मैं माइक्रोसॉफ्ट में था मैं एक्सबॉक्स का हेड था इंडिया में अच्छे खासे नोट मिल रहे थे अच्छी खासी नौकरी थी आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में बेस्ट जॉब था मेरा अच्छा यार तुम गेमिंग, गेमिंग हेड गे, गेम मेरे मेरे टेबल पे ये वो लगा रहता था टीवी लगा रहता वाँ, और, वाँ। मैं और खेल रहा था तो सबको मिलते थे पता नहीं यार वो मूवी में वो एक वो आता ना एक पॉइंट आता है कि मैं मैंने पढ़ाई की फिर मैं बड़ा हुआ फिर मैंने इंजीनियरिंग की फिर मैंने नौकरी की फिर मैं नौकरी करते करते एक दिन मर गया और फिर वो बोलता है पसंद नहीं आई कहानी तो मैं ना उस ऑडियंस में बैठ के यही रहा था ना <laughs> नहीं आई मुझे <laughs> पसंद। आने, आने? कहता बदल दो हाँ। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस मूवी में हाँ। फिर हम वापस आ रहे थे कार में हाँ। तो मैं था मेरी बीवी थी मेरा हाँ। बेटा था पीछे हाँ। हाँ। तो मेरा बेटा उस टाइम पे टेंथ में था अच्छा तो हम आ रहे थे तो मैंने मोनिका को बोला कि यार ये ना कुछ छू गई है मूवी ओके okay. तो कहती है मतलब मैंने कहा यार ये ना पैशन फॉलो करना ना ये मुझे तो उसने हाँ, मुझसे हाँ. okay. तो उस बोलते रहते हो पैशन फॉलो कर, करना क्या टाइमस्टी तो हाँ. तो ना स्टैंड कॉमेडी और स्पेशली इंडिया स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में तो कुछ नहीं पता ठीक है मैंने दो तीन नाम सुने जेरी साइनफील्ड टाइप के तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ इंडिया में कुछ वो करना स्टेज पे खड़े होकर लोगों को हंसाना है अच्छा तो आई डोंट आई थिंक मेरी बीवी को लगा था कि मैं मजाक कर रहा हूं शायद कि आप वॉज देशन बस हो एक्चुअली तो ना उसने कार में तो मुझे बोला कि देखो अगर तुम्हें करना है तो तुम कर दो तुम सोच क्या रहे हो ओह अच्छा पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ था हाँ। उसको महीने के फ्री एक्सबॉक्स गेम्स मिलते थे हाँ। उसको अलग टेंशन हो थी अरे पापा <laughs> तो डब्बे मिलते थे यार उसको एक्सबॉक्स गेम्स के हर महीने सोचो कहता ये तो आने बंद हो जाएगी हाँ। पापा पैशन छोड़ो रुको रुको यार मुझे करने तो पैशन तो हमारी बस एक कार में बात हुई हाँ। फिर हम घर गए घर पे कोई बात नहीं हुई ये संडे नाइट की बात है मंडे मॉर्निंग मैं सुबह उठा

वो ने बुलाया मुझे हम बैठे हुए थे साथ में तो कहता तो है क्या हो गया भाई तेरा तो सब ठीक चल रहा था पे। तो नहीं सर मुझे ना कुछ अपना करना है कहता क्या, <laughs> क्या करना है मैंने कहा मुझे कॉमेडी करनी है कहता <laughs> है छो, उसको लगा मैं <laughs> <मदाग करना laughs> <था>, तो <अगेड़ा। laughs> तुम सोच रहे सबको लग रहा था कि मजाक चल रहे हैं बड़े फिर बस उससे बात बात हुई मैंने कहा नहीं मुझे तो करना है

ठीक है हाँ। जैसे हम जब पढ़ते थे तो अगर नहीं पढ़ते थे तो पेरेंट्स बोलते थे कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो चाय की दुकान खोलो राइट राइट, तो, राइट अब बन गया ना चाय हाँ। उस चाय पॉइंट मल्टी मिलियन डॉलर हाँ, बड़ी-बड़ी चाय की दुकान है ना हाँ। तो बड़े वो है सारे तो मुझे ये था कि वर्ल्ड ऐसा है कि यहाँ पे कुछ भी सोच लो राइट और अगर ढंग मेहनत से करोगे तो बन जाओगे बड़ा कुछ तो हो जाएगा, राइट। राइट। हाँ। ये मेरे दिमाग में दूसरा सोचूंगा देना है बेटा पे तो ट्वेल्थ के बाद कॉलेज मैंने कहा कुछ होने वाला नहीं है मैं उस साइड में गया नहीं मोनिका को बोला मैंने कहा जो होगा ना अब होगा ठीक है फोर्टी फाइव डेज के बाद निकला

वहीं पे बैठे बैठे हाँ हाँ। मुझे तो फिर जाके आई थिंक अराउंड टाइम तो इनिशियली वो भी था कि मैंने जब छोड़ा था तो एक था कि पैसे वैसे का जो होता है ना नॉर्मली एकदम सर्दी तो मुझे ना बड़े सारे लोग कंसल्टिंग के लिए बुलाने लग गए

तो मैं इनिशियली मन तो ऐसे ही करता था मेरे को लगता था एक तो मैं कॉफी के पैसे देता था तब मुझे पता लगा कि पैसे कॉफी बैठा <laughs> तो, तो, तो था ना डे <laughs> वन तो हाँ। मैंने पूछा मैंने कहा वन कैपचिनो हाँ। तो उसने कहा स्मॉल लार्ज जो भी मैंने कुछ बताया उसको तो मैंने कहा हाउ मच कहती है वन एट्टी मैंने कहा कॉफी के माइक्रोसॉफ्ट

यार मेरे को आइडिया आया कि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी बहुत ठीक है उम्र मेरी है नही मेहनत की ज्यादा तो हाँ, आया था ना <laughs> वहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी ज्यादा तो मैंने कहा यार ये एक ना मैं एक वेब सीरीज लिखता हूँ ये नो एग्जाजिनेशन मैंने कहा वेब सीरीज लिखता हूँ वेब सीरीज लिखूंगा एक कमेडियन के बारे में ठीक है ठीक है हु इज इन हिज एंड

मैंने प्रॉपर बैठ के आठ एपिसोड लिखे थे वहाँ पे और मुझे स्क्रीन प्ले राइटिंग वर्ड पे लिखा था सोच मैंने वो पे थी में विपुल ने <laughs> उस साल के एंड में विपुल ने अपना निकाल दिया था वो। <laughs> यार। योर। अच्छी लिखी थी मैंने अच्छी लिखी मैंने अच्छी लिखी थी वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखी थी दोस्त में रोशन को दिखाई थी दोस्त था मेरा भी है उस टाइम पे वो मेंटर टाइप का भी हो गया था तो मैं रोशन अब्बास को दिखाया उसने बैठ के मेरे सामने प्रॉपर पढ़ी अच्छा फिर उसने कहा बहुत अच्छी है दिस इज लाइक लाइक रियल सुपर स्टफ फॉर समबडी हु डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम बट किसी को दिखाइयो मत हाँ. <laughs> मैंने कहा यार ये कौन सा मतलब क्यों कहता मतलब वही कह रहा था कि मतलब तुम्हारे एफर्ट बहुत अच्छा है अच्छा कीप इट अप कीप इट अप बेटा कीप इट अप बट यू कैन डू बेटर काइंड रिगार्ड्स योर टीचर वो दोस्त तो नहीं था मतलब हाँ, दोस्त तो नहीं था वो कम ओके okay, तो अच्छा। हाँ फिर उसके बाद में मिला अमिटेंडन से द oh, रियल शाक द हाँ, रियल शाक और object. ये मेरी आई थिंक वो बहुत ही लकी मीटिंग थी यार वो आई थिंक मेरा पूरा करियर लक पे ही चला था इनिशियली तो हुआ क्या था मुझे किसी ने किसी कु...

तो कहता है यार ये सब नहीं चाय पॉइंट पे मिलते कमेडियन <laughs> तो, दे दे हाँ, आदमी हाँ वो थोड़ा रियल आदमी था वो तो मिले एनीवे भाई वहाँ पे तो मैंने उससे पहले तो और मेरे को ना तो तब भी यही लगता था कि भाई एक्सबॉक्स का हेड हूँ मैं अंदर से तो अभी जा कहा है, रहा है अभी वो टीम शीम होती थी अपनी तो मुझे बस बताओ कब चढ़ना है स्टेज तो मैंने उसको इनिशियली आई थिंक यही क्वेश्चन पूछा था मैंने कहा देखो मैं ये सब छोड़ छाड़ के आया हूँ कॉन्टेक्ट दिया उसको मैंने मैंने कहा तो ये जो आप कर रहे हो ये मैं कब शुरू कर सकता हूँ <laughs> शुरू कर सकता हूँ <laughs> तो अमित टोटल अमित स्टाइल ना बड़े प्यास मुझे देख के बोलते हैं थोड़ा टाइम लगेगा <laughs> 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 <आ, laughs> फिर मैंने उससे पूछा बहुत ही जब एक घंटे की कॉन्वर्सेशन हो गई थी हमारी <laughs> <आ, आ, laughs> मैंने कहा ये आप जो अभी करने जा रहे हो शो इसके कितने पैसे मिलते हैं <laughs> तब मेरी पहली बार फटी थी जब <laughs> <laughs> उसने मुझे बताया कि सात हजार रुपये मिलेंगे लाइक योर साथ हजार मैं कैलकुलेशन की मैंने कहा तीस भी कर लूँ मैं तब भी <laughs> मेरा पैकेज भी इट नहीं होता <laughs> आस भी नहीं आता उसके तो मेरी जनरली फट गई थी तो आ... फिर अमित ने कहा तूने कभी देखा है ये कॉमेडी मैंने कहा नहीं मैंने ऐसे इंडिया में ऐसे लाइव कभी हा, नहीं, हा, नहीं देखा हा, है एक्चुअली जनवरी नहीं, नहीं देखा था आ... तो उसने कहा तू आ जा मेरा भी शो है तू अंदर आ तो मैं उसके साथ अंदर घुसा और ये सारा नया ही स्टाफ था ये रोहित और ये सब सब, सब, सब नए थे तो उस टाइम पे याद है अमित होता था एक और वहाँ पे जो उनका कैनवस का, का बंदा था याद है मेरे को है हाँ ना हाँ, फ्रेंच कट हाँ तो हाँ। वो आ, जो सारी शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग भी देखता था हाँ, तो अमित टंडन के साथ मैं अंदर घुसा सब हेलो हाँ, हेलो उनको भी नहीं पता मैं कौन हूँ उनको लगा होगा वो बॉम्बे से कॉमेडियन घुसते घुसते हुआ था वो भी वो उसको एक घंटा पड़ा था मुझसे <laughs> तो अमित टंडन पे ज्यादा फोकस कर रहा था <laughs> ऐसे इंट्रोडक्शन होगी फिर मैं जाके शो देखा मैं वापस आ गया अगले दिन मैं फिर पहुंचा अपना कॉफी शॉप में दोपहर का टाइम था मैंने कहा यार ये इनसे मिली आता हूँ कल तो बात नहीं हुई थी तो वो कैनवस में घुसने लगा तो बाहर कोई खड़ा था तो उसने देखा कि ये कल तो टंडन के साथ आया तो था तो अंदर अंदर आ, सार, 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 अंदर सर बैठे हैं है। है। मैं बैठ गया उसके साथ तो उसने पूछा कि आपने कुछ किया है मैंने कहा नहीं कहता आप करके आओ फिर मैंने कहा कि ओपन माइक तो मैंने कहा सर कोई और रास्ता है

अमित को तो इसने देखी वो पूरे नौ मिनट की स्टोरी थी इसने कहा यार ठीक है तो आप ऐसा करो ये थर्सडे की बात थी आई थिंक uh, इसने कहा आप सैटरडे को आ जाओ आपको तो मैंने कहा सर कितना करना है, है। कहते मिनट करना है। है। आप आ जाओ सैटरडे को है, बेस्ट इन स्टैंड आपको स्लॉट दे देता और मेरे पास मैंने कुछ तो थोड़ा बहुत लिखा था उसे एक डेढ़ महीना पहले मैंने कहा यार ठीक है मैं दो दिन का मौका मिला कैनवस लाफ ला मैं चला गया सैटरडे को और उस दिन थे अनिरबान

फिर ये इम्तियाज इम्तियाज के ऊपर ही कुछ मैंने वो स्टोरी सुनाई और पहले जोक में लोग हंसे दूसरे में हंसे तीसरे में हंसे जस्ट नॉट माय फ्रेंड्स पूरा रूम हंसाफर कोई कुछ नहीं मैं भी बड़ा सरप्राइज था और मैंने उसके वीडियो देखा बाद में वो मेरे बीवी लेके बैठी हुई थी कैमरा लेके मतलब थूके ना उस आदमी पे कोई जो मैं स्टेज पे जो कर रहा था ना माइक नहीं पकड़ना आ रहा था मुझे right. मैं तार ऐसे तार तार के साथ खेल रहा तार मेरे पाँव में फंस रही थी वो सब बोला था मेरे साथ <laughs> पता नहीं क्या सिंग सॉन्ग मैनर में मैं बात कर रहा <laughs> हाँ, था अजीब सा एक टोन में जिसमें हाँ, 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 मैं बात भी नहीं करता पर वो फटा रूम मैं जब उतरा था ना आई स्वर मुझे तब ऑब्वियसली कॉमेडी के बारे में कुछ नहीं पता था मैं जन्मिन नहीं सोचा था कि मैं सुपरस्टार हूँ

तो और तब तक मुझे ये बताया गया था कि भैया ऐसे चांस ना नए वालों को एक तो कैनवस में मिलता नहीं हा, हा, ठीक है अगर मिल गया तो महीने में एक मिलेगा ट्यूजडे तो को आ जाओ मोनिका तो को बोल रहा था मैंने कहा एक महीने में पोस्टर लग गया मेरा यहाँ और दो तीन महीने में तो नेटफ्लिक्स आठ साल हो गए अभी तक नेटफ्लिक्स से फोन नहीं आया अभी तक मुझे पोस्टर लग गए बाद में मैं गया ट्यूसडे को वापस हाँ। पंद्रह लोग बैठे थे वो ट्यूसडे <laughs> नाइट का ऑडियंस अब अब आएगा ना मतलब हाँ, वो, वो वो, भी ऐसे थे जो जिंदगी से दुखी हो आए थे पता नहीं क्यों आए थे वहां पे हाँ। तो शराब पीने आए हाँ। थे वो आप हाँ बस एक कॉम्प्लीमेंट्री हाँ, उनके लिए हाँ, थे हाँ, तो वही था जो भी ओपन माइक चल रहा था ट्यूसडे को मैं बड़ा कॉन्फिडेंट मैंने कहा अभी तो फाड़ा मैंने दोस्तों लोगों को मैं चढ़ा स्टेज पे पहला जोक मारा सब शांति दूसरा मारा शांति तीसरा मारा शांति दस मिनट शांति यार ये एक बंदा स्माइल तक नहीं किया कितना मतलब माइंड स्विंग हो जाता है, है माइंड फक हो जाता है ना कि जब मैं उतरा कर... था ना स्टेज से

राइट right? तुम्हें क्या लिखा था सॉरी मैं आपको वो कर रहा हूँ कट कर रहा हूँ मुझे लगता है आप स्टोरी टेलिंग और कॉमेडी में बहुत डिफरेंस होता है एंड कॉमेडी स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट ओके राइट अगर तुम नॉर्मल स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तुम इमोशंस के साथ ज्यादा खेल रहे हो राइट right. कॉमेडी में तुम्हें यू हैव टू डिलीवर द लाफ नहीं सर अब सेम हो गया अब <laughs> <laughs> सेम हो गया बस अब अब तो यही इमोशंस <laughs> ही चल रहे हैं हमारे के रुला रुला <laughs> के छोड़ेंगे आपको कॉमेडी शो पे फनी हो जाओ तो ठीक है हां बट ठीक है तो वो थोड़ा डिफरेंट था तो इनिशियली मेरे को बस यार तुम्हें ये भी समझ नहीं आता लिखना क्या है लिखना कैसे है प्रेमिस क्या होता है तुम्हारा एंगल एंगल तुम तुम सोचते नहीं। तुम सोचते नहीं मेरी जिंदगी में में चल रहा है चलो इसके बारे बात, कर बात, करते, करते हैं हाँ। तो मेरे सारे जो यही होते थे बीवी बच्चा बीवी बच्चा पेरेंट्स हाँ, 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 हाँ। इसी पे मैं खेलता था और जब मैं ओपन मैक्स में जाता था ना तो वहाँ पे यार एक तो वैसे चार पांच लोग जिनको बाहर से पकड़ के लाए होते बच्चे बच्चे वो भी बच्चे बच्चे अब मैं उनके सामने कुछ कर भी रहा होता था मैंने दो तीन इनिशियली किए थे

<laughs> तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये ओपन माइक तो मेरे से होगा नहीं अच्छा नॉट फॉर एनी अदर रीजन कि की हाँ, मुझे अपने आप लग रहा था कि बॉस तू बहुत ही बेकार है इस में ऑडियंस मैच मिसमैच मिसमैच है एकदम हाँ, होता था हाँ, और मेरे को ये भी समझ नहीं थी कि यार तू ऑडियंस छोड़ तू अपनी डिलीवरी पे प्रैक्टिस कर ले तू कुछ और तरीके से बोल के देख ले या तू जोक को टाइटर कर यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सल बनाने वो सब नहीं पता था मुझे उस टाइम पे और जो कैनवस में जो भी होता था ना स्पॉट मिल जाए या ओपन माइक हो जाए वहां डिफरेंट कॉपरेट आता था तो उनमें थोड़ा बहुत चल जाता था राइट तो बस मैं वो कैनवस के सहारे ही इनिशियली वो ही करता था अमित के लिए ओपन अच्छा, कर दिया अच्छा, कैनवस में स्पॉट अच्छा, ले लिया मैं वहीं पे खेलता रहता था हा, 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 तो आई थिंक वो इंडस्ट्री को दिल्ली कॉमिक्स को वैसे भी अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे कि ये तो देखो अपने, अपने आप को हीरो है, समझता है ओपन माइक्स में नहीं आता सही बात है हम क्या बेकूफ है जो ओपन माइक तो वो सीन भी रहता था एंड देन फिर मेरे को फिर जब मैंने

तो आई थिंक मैंने मई में, में शुरू किया था अक्टूबर में मैंने पहला वीडियो रिलीज किया वो था। हाफ जैकेट वाला हाफ जैकेट तो बाद में अच्छा, आया था अच्छा, हाँ, हाँ। वो अक्टूबर में मैंने रिलीज किया था पहला वाला एंड हाँ।, and, uh, हाँ, उसके उस टाइम पे तो ऐसे ही कुछ थे यार चालीस हजार पचास हजार व्यूज हो गए थे उस वीडियो पे हाँ उस वीडियो पे एंड वहाँ से फ्रॉम जीरो चैनल कॉपरेट में फिर चलना शुरू हो गया था वो तो मुझे बड़ी जल्दी कॉपरेट शोज मिलने शुरू हो गए थे लाइक आई थिंक नवंबर ऑनवर्ड्स बट इट्स बिकॉज ऑफ योर

तो nice. वहां से फिर पैसा आना शुरू wow. हो गया फिर मैंने बॉम्बे की तरफ देखा uh. मैंने देखा ये तो एआईबी वाले कलेक्टिव बना के बैठे ए आई सी कलेक्टिव बना कलेक्टिव तो फिर गया अमित टंडन के पास सर, आई है तो अमित को आई थिंक पता था उस टाइम पे <laughs>

तो हाँ हमने कलेक्टिव बनाया हमने दो शोज किए थे कैनवस में अच्छा वो अमित हाँ अच्छा। <laughs> फिर, फिर का करियर थे। चल पड़ा <laughs> <laughs> उसके बाद से आपको डेटिंग नहीं मिली का अमित का वीडियो आई थिंक उसी टाइम पे अक्टूबर नवंबर टाइम ना वो अला फेमस हो गया

तो नाइस nice, हाँ nice. वो बंद हो गया था उसके बाद फिर कलेक्टिव बंद हो गया था उसके बाद आपका कब फटा गेम आपको कब लगा कि हाँ यार आई एम बोर्ड टू डू दिस यार जनमिली <laughs> uh, <genuinely>, देख 17 वाज आई थिंक 2017 वाज जस्ट नोइंग हाउ बैड यू आर

राइट uh, right right से, right. से देखा okay. तो वो जब मैं टूर पे ले गया था टूर भी क्या छह नोएडा गुड़गांव फरीदाबाद पहला जो सोलो किया था मैंने वो किया था मैंने जैन जैन में सोच सात महीने बाद पहला सोलो शो <laughs> आ, आ, और उसका पोस्टर बनाया था इंडिया टूर <laughs> उसमें था दिल्ली गुड़गांव बैंगलोर

तो वो पहला जब निकला था वो है? था वो हार्ले ली थी ना तुमने अच्छा हाँ। तो जितने भी वो उस टाइम पे वीडियोस आए थे ना हार्ले ली थी ना तुमने एक 1972 पेरेंट्स का स्टोरी था एक, आ, एक वो बेटे वाला था हाँ। अल्ले बेबी शोना हाँ। और कॉन्फिडेंस बहुत है बहुत वो बहुत चला था हाँ ये सारे जैकेट वाले थे वो आई थिंक हाँ वो सब एक ही शो में हुए थे सारे रिकॉर्ड तो वो वहां से मुझे लगा था कि

फिर कोविड आ गया कोविड में मैंने सुना आपने कितने घंटे के शो किए आपने मेरे को बताया छे छे आठ आठ यार कोविड में मुझे ना जनरली लगा था कि ये जाएगा नहीं मतलब पहली बार जिंदगी में ऑनेस्टली हाँ, हाँ, मतलब हाँ, वो अमित के साथ जब मैंने वो सैलरी सुनी थी हाँ, तब भी इतना वो तब तो खैर लाइक like, Not so seriously I was like अभी यार इतना कम मिलता है टाइप न्यू ऑब्वियसली कि कर ही कुछ ना कुछ बट हाँ। कोविड के जब ये जब वो लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके आई थिंक दस पंद्रह दिन के अंदर इतना हो गया था कि ये लंबा गेम है सबको हाँ, समझ, हाँ, हाँ, समझ आ गया था, था। राइट चाहे वो खुल जाए चाहे ना खुले राइट, लोग राइट, रूम के अंदर नहीं आएंगे राइट, तब मेरे को जेनुअनली उस टाइम पे लगा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जा नहीं सकते बंद हो गया मेरे पास और कुछ है नहीं अब करने का तब मुझे जेनुअनली बहुत लगा था

ये मीडियम गलत है हाँ ये गलत है मीडियम ये ये वन वे वाला नहीं है ये राइट right. right? right. वो, right. वो सीन नहीं है तो तब तक मैंने क्राउड वर्क शुरू नहीं किया था कभी आच्छा, right? आच्छा, कभी अच्छा इन लाइफ ही क्राउड वर्क शो तो वैसे ही नहीं किया था और होस्टिंग करते वक्त कभी कैनवस में जो हल्का फुल्का करके गया शर्म आ गई थी मुझे जब उसने किया था स्टेज पे तो मैंने एक बार ट्राई किया मैंने कहा यार देखता कैसे करना हाँ, है जूम हाँ, पे हाँ, हाँ। तो मैंने कोई नब्बे रुपए की टिकट रखी मैं सबसे चीप एकदम चौबीस तो दे कोई कोई। <laughs> हाँ, हो हाँ, तो होते एक तो मैं हूँ हाँ। और तेईस टिकट बेचता हूँ और एक शो करता हूँ की एक सारे दिखने चाहिए ना क्राउड वर्क कर तो मैंने वो किया वो कुछ सवा घंटे हमने हाँ। बातें बातें की सबको मजा आया उसमें सब रहे थे इस बार

टिकट्स बेचनी शुरू की है, है। तो ये आ गए वापस सारे जितने भी थे <laughs> कोर वाले और कुछ नई नई ऑडियंस आई एंड आई थिंक वो तीन चार शो हमने ऐसे करते रहे फिर एक शो था जो हमने सैटरडे रात को नौ बजे शुरू किया अच्छा और हमने सुबह पांच बजे उसको खत्म किया सर, किस टाइप का शो था प्लीज ये यही, यही क्राउड वर्क क्राउड अच्छा, वर्क सिर्फ क्राउड वर्क रात भर का कोई शो चल रहा है आपको लगा पैसे कमाने मोनिका पोल लगाओ <laughs> अब तो बाहर जाना नहीं है तो घर तो से ही करेंगे, करेंगे जो और पिंक लाइट लगाओ में। <laughs> ओ, अच्छा तो वो चला इतनी देर एंड हाँ। uh, सब मजे सब हंस रहे सुबह चार बजे तक हाँ। फिर उसके बाद से और ये सब जागे रहे आप सब जागे रहे, सब जागे रहे वहाँ पे और ये एक ग्रुप बन गया था उसके बाद तो हमने सत्तर लोग सौ लोग भी किए हुए हैं जूम पे अच्छा एंड द लॉन्गेस्ट वी डिड वाज टेन आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स क्या बात कर लॉन्गेस्ट शो एंड मेरा ये होता था नाउ एम बोस्टिंग अगर मैं शो कर रहा हूँ ना हाँ। तो मैं उठूंगा नहीं क्या बात कर नहीं होगा और दस घंटे पैतालीस मिनट बिना रोके छोड़ो मैं रम की बॉटल रखता था अपने साथ ठीक है छह सात कोक के कैन होते थे और रम चल रही है नौ बजे रात के और सुबह सात बज के पैतालीस मिनट पे शो खत्म किया है हमने और ऐसे बड़े सारे शो थे जो दस दस घंटे हमने किए एंड इन इस ऑडियंस का एक ग्रुप बन गया था

आ रहे रहे हो हो हो? तो 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 तुम्हारी विस्की का लेवल बढ़ता रहता फिर था। हाँ। फिर आई थिंक कुछ साल गए अब अब तो। से से पहले ही ही हाँ। थोड़ा ओल्ड ओल्ड दोबारा एक बार जब पी तो फिर अब पहला पहला प्यार प्यार हाँ। रहता है कोई चीज़ नहीं दुनिया में। अरे क्या बात कर आपको जैसे

वो जो बंद हो गया था अच्छा वापस ले है नहीं यार जब मैंने अभी हुआ क्या था एक हसीना थी के बाद ना हाँ, देन, देन वा... आपको काफी प्यार मिला एक हसीना बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत बहुत, बहुत। बहुत। क्योंकि वो मैं देखा आपने आई थिंक में चार चार वीडियो डाले थे या अभी भी जाके सिर्फ YouTube पे कमेंट्स पढ़ता हूं

बाहर wow. like, nice. okay. uh -huh. तो में में आएगा nice. तो ये, एक ये शो है और एक गाय को थोड़ा किया। राइटिंग भी बेटर हो गई राइट राइट थोड़ा समझ आने लग गया है तो वो री राइट किया तो वो दो शोज है फिर सोचूंगा उसके अलावा भी आई थे कुछ एड्स कुछ कुछ तो किया है मैंने एक कैनन या निकॉन के लिए कुछ yeah, यार हाँ द कैनन के लिए किया था दैट वाज नॉट एन एड एड इट वाज लाइक इट वाज लाइक अ कैंपेन वी डिड विद हिम तो बेसिकली मैं ये पूछना चाहता था कि अब आपको करना <laughs> क्या है

जो, जो विपुल गोयल ने खराब की थी ना मेरे लिए वो, <laughs> वो उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर भी खरीद लिया अब अच्छा। फाइनल ड्राफ्ट करके सॉफ्टवेयर मैंने कहा पैसे खर्च करो इस पे स्क्रीन राइटिंग इसी पे होती है <laughs> एक रेवेंज विपुल, विपुल गोयल तेरे साथ बाकी है मैं तो वो स्टोरी अभी है वो वो मैं वो करना है वो इस साल होगा और वो रॉकी की तरह होना है कि आई बी की यार उम्मीद तो मेरी है पर मुझे अब समझ आ गया है कि बेटा इतना भी नहीं तू राइटर ही बन तो साल मेरा गोल है कि वो लिख के कमीशन करवा कहीं से कहीं नहीं। राइट। और वो है एक और दूसरी एक बुक है पहले लिखना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया मैं चार पाँच पेजेस लिखे पीरियड टाइम चार पाँच पेजेस लिखे फिर मैंने उसको पढ़ा तो हाँ. मैं रिलाइज किया मैं सारे वर्ड्स तो सेम ही यूज कर रहा हूँ अगेन ये उसी टाइप के सेंटेंसेस लग रहे हैं मैं <laughs> ऐसे तो 250 पेज लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो नहीं पर वो उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा बट हाँ बत, क्या है टॉपिक क्या मतलब कुछ डिस्कवरी फिक्शन दैट बुक इज इट इज लाइफ टिल नाउ ओके माई लाइफ एंड इट इज इट विल बी रिटर्न एज

I mean, I don't know whether to call it fiction, non-fiction. I mean, oh, it is, हाँ let haan, the publisher decide. हाँ it it is <laughs> but it is one of those books which will be very true. It is a wow concept in my head. हाँ but I think it will take up. it's a process. हाँ no, I have to reach there haan. also. नहीं मुझे लगता है वो किताब लिखना भी पूरा एक process है. You haan. can't do it in hurry. कि नहीं ये कहीं नहीं वो आराम से आराम से करो. वो मुझे आराम से करना है उसमें. हाँ I want that to be very real. एक तो ये आजकल वो चल है ना आजकल ये सारे motivational

तो so, ये सिर्फ ये देख के don't see the ग्लोरी क्योंकि हम सब ने तुमने yeah. भी हंड्रेड परसेंट राइट हम सब ने वो जो मोमेंट्स अकेले में बताया है ना जहां तुम्हें कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है ठीक है 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 तुम्हें लग रहा था दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारे, अगेंस्ट तुम अगेंस्ट तुम्हारे तुम्हारे अगेंस्ट 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 फैमिली फ्रेंड्स मैं खुद खुद अपने अपने यार यार वो वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं औकात दिखा दी बिकॉज उसमें क्या होता है ना आप एक टीम को मैनेज कर रहे हो तो डेली आपको एक वैलिडेशन वो कॉर्पोरेट लाइफ हाँ, बड़ी डिफरेंट होती है यहाँ तो तुम अपने से लड़ रहे हो अपनी सोच से लड़ रहे हो दिन सुबह तुम्हें एक कॉल आती है तुम्हें लगता है सब ठीक है तुम एक कमेंट पढ़ते हो तुम्हें लगता है सब खराब है तुम माइंड गेम इज Is tough thing, आप ये देखो बाकी कोई भी प्रोफेशनल लोग हैं ना इफ यू आर अ डांस इफ यू आर अंड यू है टीम टीम यू कैन जैम विध देन प्ले यू कैन थ्रो योर आइडिया यहाँ पे सारी फाइट आप अपने आप से ही कर रहे हो अच्छे कमेंट आप देख के खुश नहीं हो रहे बुरे कमेंट देख के दुखी हो रहे हो मेरा क्रिएशन प्रोसेस ही इतना सोलो ही है बहुं तुम, बहुं तुम अकेले क्रिएट कर रहे हो अकेले आ, सोच रहे हो अकेले आ, मर रहे हो तो, स्टेज पे हाँ। ये भी नहीं कि चार लोग खड़े हो के मौत मची हुई है तुम खड़े हो अकेले और तुम्हारी मौत मच रही है वहां पे आई थिंक दिस इज इज अ वेरी टफ प्रोफेशन यार मुझे बहुत आई मीन मैं इतने लाइक आई एम सो मच इन लव विद स्टैंड अप ना अच्छा लाइक यू कैन नॉट इमेजिन यार लाइक इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन माय लाइफ ओह नाइस बिकॉज़ व्हाट

एंड ये आर्टिस्ट लोग जो पहले से आर्टिस्ट हैं उनको होगा मेरी जिंदगी में नहीं था ये सब सही बात नहीं। नहीं। मेरी ये सब है तो ये बोलते ना कॉपरेट में ये और ये ऐसे, तुम्हें घंटा नहीं पाफ इम्प्रूवमेंट क्या बोस ये देखो यहाँ पे तुम्हें पता लगेगा तुम हो क्या राइट बिकॉज द स्टैंड इज ये तुम्हें एक दिन औकात दिखाता है अगले दिन ऊपर उठाता है इट इज तुम कुछ बोल रहे हो हाँ। तुम डांस नहीं कर रहे हो तुम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे हो राइट, राइट। तुम एक्टिंग नहीं कर रहे हो राइट तुम बोल रहे हो हाँ। और कोई लोग तुम्हें डेढ़ घंटा सुनने के, के, के लिए बैठे हैं।, हैं सही बात है वो अपने घर से इस निकले उम्मीद में कि तुम उन्हें हंसाओगे हंसाओगे वो अपने घर से निकले और आजकल की एज में यार जहाँ तुम फोन पे ऐसे रील करते रहो तुम हंसते ही रहोगे सही बात है राइट कहते नहीं ये छोड़

कि बॉस जो तू कर रहा है ना हाँ ये हाय डेली मराना दोबारा वापस आना 99% ऑफ द पीपल कांट डू दिस नहीं नहीं सर एक बार फेल हो गए आधे लोग शक्ल नहीं दिखाते हैं कि दिखाते यार वो सोचेगा हाँ। जबकि कोई नहीं सोचा लेकिन वो सोच रहा होगा उसके माइंड में हां ये दिस इज आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट्स हियर वाओ अब आपका अब आपका बेटा इधर कॉलेज में है ना उस ने, ने, इस वर्किंग नहीं वर्किंग नाउ यार अच्छा अरे सॉरी लास्ट स्टोरी में कॉलेज में होगा एयरपोर्ट पे मिला होगा कैसा उसका आज ही देखे तुमने सारे वीडियो नहीं, 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 <laughs> नहीं, नहीं, <देखे, laughs> नहीं, नहीं देखे। नहीं, बीच बीच में चलो प्रिपेयर कर लेते हैं इंटरव्यू के स्टोरी कैसे देख लूंगा बट कैसा है आपका बॉन्डिंग उससे अब तो हम उम्र टाइप हो गया होगा हाँ यार हमारा लाइक आई थिंक मेरी पेरेंटिंग स्टाइल बड़ा सिंपल था यार कि कोई स्ट्रिकनेस नहीं, देखे, नहीं, देखे, नहीं देखे, नह मैंने उसको दो तीन चीजें बोली थी बहुत आई थिंक उसको याद भी नहीं होंगी okay. तो दो तीन चीजें बोली थी पता ये मत करना uh -huh. इसके अलावा तेको जो करना है जिंदगी में कर लाए? अच्छा। ते जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तेको जो लाइक वो सब तू कतर है यू लर्न you... और जब हो जाए हमें बता दियो कुछ गलत आएल हाँ, आएल हमें बता दियो गेम नहीं मिलेंगे लेकिन एक्सबॉक्स हो लाइफ से बट हाँ बड़ा बड़ा फ्रेंडली टाइप का है लाइक डीप कॉन्वर्सेशन ऐसा नहीं कि बैठ के ऐसे डीप कॉन्वर्सेशन ज्यादा करते हैं। दादू साथ में पीते हो? <laughs> पीते हैं। तो उसी में कॉन्वर्सेशन निकल जाती हूं वो तो हमारा प्लान था उसके साथ

कहाँ से मंगा लेंगे सही वो? बात है वो क्या ना हाँ। और बाद में नहीं होगी आप महंगे से महंगे बाद में हाँ। वो नहीं होती उनके बाद भी हाँ।

कंटेंट नहीं लिखता बस हो में <laughs> <laughs> नहीं दे था, वो ऑडियंस मैंने, मैंने, तो <laughs> मैंने, मैंने शिफ्ट आया था व्हेन आई रिलीज दैट वीडियो कॉल्ड अल्ले बेबी शोनाट माई सन सन तो पूरा बिट उसके बारे में था एंड uh, उससे पहले जो ऑडियंस आती थी ना वर ऑल

40 चारीज चारीज के 50 के कार में जा रहे थे कुछ, है, मैंने जरा कैमरा में जरा कर, मैं कुछ कुछ बोल फिर उसको ऐसे एडिट करके ना ऐसे कॉन्वर्सेशन बना के डाल देते हैं ठीक है तो मुझे पता था कि जब भी मैं कुछ सूर्य के साथ करता हूँ इसने भी सूर्या तो जब भी उसके साथ करता ना तो ऑडियंस को बड़ा मजा आता है तो हम मैंने वैसे रिकॉर्ड करके कार में ही हाँ। कार में ही वो सूर्य ने कुछ हल्का बेसिक एडिटिंग करके मैंने रील डाल दी हाँ। और तब तक मेरी ऐसी चलती थी 20k 15k अच्छा वो रील 6 मिलियन हिट कर गई ओ फक आई वाज लाइक यार यही कंटेंट है ये लड़का ये लड़का ये, ही बनाएगा ये, मेरा करियर ये सूरज है यही बनाएगा यही बनाएगा मेरा करियर अच्छा उसके बाद उसको बड़ा बोला मैंने कहा रील बनाते हैं साथ में अब उसको समझ आ गया है हाँ, कहता बेटा जॉर्डन लाओगे तो बात बनाएगा मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो अट्ठारह उन्नीस की पकड़ ली तो हाँ अब तो मेरा ऐसा स्केल बन गया वो मैं फ्रंट रो सारी अठारह बीस वाले बैठे होते हैं पीछे सत्तर सत्तर साल वाले बैठे क्या लाए हो आज <laughs> बड़ा वाइड रेंज हो गया है मेरा उसका सही है एक्टिंग का प्लान है सर आपका यार अदर देन आपकी एक देखो ऑनेस्टली ना ऑनेस्टली ना जब मैं <laughs> बड़ा हो रहा था ना जब मैं स्कूल कॉलेज में था <laughs> मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक दिन सड़क पे चल रहा हूँ सुभाष गई की कार आएगी <laughs> I can make you an actor. तुम ही हो तुम ही हो जैकेट शॉफ के बाद कौन तुम

एंड uh, मतलब टॉप प्रोडक्शन हाउसेस समझ गया तो so, सब सारे वहाँ से आते थे एंड uh, मैंने मैं देता था अपना ऑडिशन सरप्राइजिंगली कभी कुछ आया नहीं वहाँ से कॉल वो ऐसे ही होता है सर टैलेंट समझ नहीं रहा है वो ऐसे <laughs> ही एक बार ना एक बार मुझे आया मैं बताऊँ वैसे ऑन अंडर सीरियस नोट ये ना नंबर पे खेल जाते हैं जैसे इनको इनको तक क्लोज करना है हाँ। तो क्लोज करने के क्या कहते हैं कि पांच पा, नहीं नहीं क्लोज मतलब मान लो ये करैक्टर है हाँ। और इनको पता है कि इस एज का बंदा चाहिए ऐसा ऐसा चाहिए तो अब ये क्या कहते हैं ये ना अब इनके माइंड में अगर कोई होगा भी ना तो वो ऑलरेडी फिक्स है लेकिन इनको पांच छे और देने ना डायरेक्टर को तुम कह रहे हो हम ऐसे हैं ऐसे हैं सिर्फ सर मैं भी आपको नहीं बोल भाई। ये, मैं भी <laughs> आपको नहीं भाई <laughs> और सुन लो आई सीरीज <laughs> बन जाएगी ना जब जाए तुम आओगे तब अबे अभी ना मुझे अभी नहीं कुछ महीने लास्ट ईयर था मुझे ना एक ऐसे कास्टिंग से आया वो बिग कास्टिंग वाले जो लोग हैं उनसे आया ऐसा स्क्रिप्ट कि एक पुलिस ऑफिसर का रोल है मेन रोल लाइक मेन रोल एज इन वन ऑफ द मेन लीड्स वो सब में लगते हैं मेन लीड्स पर जब स्टोरी पढ़ी तो मुझे समझ आया कि वो जनरली मेन उसमें था एंड हाँ, uh, उसका एक सीन है कि आप मार्केट uh, एरिया में हो हाँ, और आप अपनी सिस्टर से बात कर रहे हो हाँ, uh, आपकी बहन के ना कुछ कनेक्शंस हैं अंडरवर्ल्ड के साथ okay. तो अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हो ठीक है ठीक है और आपसे वन टू वन बड़ा इमोशनल सीन है मुझे इमोशनल तो सीन है तो उन्हें वो भेज दिया वो डेढ़ का हा, हा। मैंने अपना कैमरा लगाया रूम में लाइटें वाइटें तो खरीदी हुई हमने सब सेट वेट किया इमोशंस में आया मैं प्रॉपर और पूरा ना अमिताभ बच्चन स्टाइल में घुस गया मैं की तीन चार बार टेक्स लिए कि प्रॉपर आना चाहिए फुल इमोशन के साथ मैंने भेज दिया ठीक है तो मुझे लगा जैसे बाकी भेजे कभी आता नहीं थे अगले दिन भाई साहब कॉल मैं उसे देखा मैंने को भैंस क्यों कि तो आ गया हाँ। कॉल आ गया वहां से हाँ। तो कॉल आया बोलता है सर ऑडिशन आपका बड़ा अच्छा था हाँ। थोड़ा थोड़ा टोन डाउन कर सकते हैं यही होता है इनका राइट हाँ। हल्का सा टोन डाउन कर सकते हैं तो मैंने कहा कितना हाँ। कहता अराउंड नाइनटी फाइव परसेंट

उसे 100 परसेंट लेना है ऑडियंस आई है उसे 100 परसेंट हंसाना है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टेक में ही उस पर था कि यार नहीं यार बहुत लोग यार बैठे हुए सब मेरी वजह से फटाफट कर लो इसको बस ठीक से, से, से कर थोड़ा तुम तो तो और करोगे मतलब इज इट समथिंग दैट यू वुड डू अगेन यस ओनली इफ मतलब मैं ना एक्टर नहीं हूँ बट आई एम नॉट एन एक्टर तो अगर कोई आ, आ, स्क्रिप्ट आएगी जिसमें लग रहा है कि ये शक्ल और ये आर्टिस्ट बनता है इसके लिए तो कर लो क्योंकि हम वैसा नहीं हो पाएगा कि मुझसे कोई बोले कि ये वाला इसमें ले तो <laughs> आ <laughs> <laughs> तो क्योंकि नहीं है ना यार, हमने कभी आर्ट एक्टिंग सीखी नहीं है हमने हमारा इम्पल्सिव गेम ये ये वो है ट गए ऐसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला टाइप का एंड wow, wow, wow. उसका उस स्टेप का जो तू है एंड शी नोस मी वेरी वेल शी इज जो तू है वो रजत कपूर टाइप से जो तू है एग्जैक्टली exactly वो रोल ठीक है हा? तो यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ मैंने कहा ठीक है तो उसने कहा कि मैं बॉम्बे जा रहा था किसी काम से तो शी वाज लाइक तू आ जा हा? तो करेंगे दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन दैट आई हैड अच्छा है? तो मुझे पता भी नहीं था मुझे लगा जैसे तुम्हारा ये है ना बेयर मिनिमम इतना तो होगा सर हमारा प्रोडक्शन बहुत हाई एंड है हमारा तो बहुत ही हाई एंड है ठीक okay, अब तो मैं उसके गया ऑफिस में उन्होंने ऐसा ही सामने कैमरा रखा तो मैंने वो स्क्रिप्ट हाथ में ले ली तो कहते हैं इसको हटाओ मैंने कहा फिर पढ़ूंगा कहाँ से <laughs> <आव laughs> कहते हैं ऑडिशन ऐसे नहीं होता <laughs> तुम्हें तो तुम्हें याद होने चाहिए मैंने कहा ओहो तो मैं कहा मुझे टाइम दो थोड़ा पंद्रह बीस मिनट मेरा पढूं तो मैंने पहला टेक किया वो दोस्त है मेरी बड़ी अच्छी तो मैंने पहला टेक किया उसने बीच में ही रोक दिया मुझे तो उसने मुझे समझाया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करके देख है और है ये वाला हा, वो हा, कर, और ऐसे मतलब तो कुछ तो समझाया उसने मुझे फिर दूसरा टेक किया तीसरा टेक किया चौथा तो टेक किया पांचवा तो टेक किया उसने का ब्रेक ले, ले फिर उसके बाद भी तीन चार टेक किए फिर एक पॉइंट पर उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि तू स्टैंड अप ही कर ला हो पाएगा बॉलीवुड कौन सी फेवरेट है ना जैसे यार मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ यार

वैसे फेवरेट यार बड़ा डिफिकल्ट होता है मैं बहुत देखता हूँ यार ये सब मैं कंटेंट तो बहुत ही ज्यादा मूवीज तो बहुत ही हिंदी या इंग्लिश सब सब सब, सब। अच्छा। अब तो कोरियन भी देखने शुरू कर रहा है बीबी है ना क्या करूं देखनी होती है वो ऑप हाँ क्या बोलता है अभी मुझे वो ट्वेल्थ फिल्म बड़ी प्यारी लगी थी वो तो हाँ वो तो वन ऑफ द मूवीज होती है ना जो बड़ी प्यारी लगी थी मैंने सूर्य को दिखाया था सूर्य को बोला मैंने कहा ये ना मूवी अपने रूम में बैठ के अकेले देखियो एंड मूवी की तरह मत देखियो तो ये समझ कि ये तेरा कंपटीशन है ठीक है okay. ये जो बत, ये जो लोग है ना हाँ, जो जहाँ से आ रहे हैं उनमें आग उनमें जो पैशन है उनमें जो

मेरी 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 वैसे तो मैंने प्यार किया। है। <laughs> 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 काफी मेरी, शिफ्ट मारा था मेरी <laughs> यार। ये। बता शारुक, शारुक मुझे पे अभी अभी मुझे याद आया कि बीवी मेरी, मेरी को अगर मुझसे एक प्रॉब्लम होनी है ना जिंदगी में तो ये है कि भी भी मुझे मैंने प्यार किया बहुत पसंद है आप सलमान के फैन हो आप यार वो पिक्चर वो पिक्चर वो पिक्चर बहुत कम लोगों से हां जिनको मैंने प्यार किया अब पसंद है एक तो था उस टाइम पे थी हिट तो हो गई तो थी तब हाँ। चल पड़ा थी उसके बाद उनको ऐसे बेटर मूवीज दिखी होगा क्या बकवास है हा, 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 वो हा। हा। वो वाला होता है ना पर यार वो पिक्चर में कुछ है यार दाम चुकाऊंगा तुम्हारे फाइव स्टार होटल का बेस्ट पिक्चर इन दर्ल्ड

यही सिखाएगा तुम्हें वो और ट्वेल्थ फेल देखो दोनों को मैच करो यही जिंदगी है द रेज द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एन आर्टिस्ट ओ कभी ऐसा हुआ सर आपके साथ जैसे आप क्योंकि एक मतलब डायरेक्टर पोजीशन पे थे है ना और आपके बहुत सारे ऐसे होंगे ना जो सेम लेवल पे होंगे और या नीचे होंगे और फिर आपने जॉब छोड़ दी

तो वो ब्रीफिंग कॉल में देयर वाज समबडी सम समवन हु आई थिंक वाज इन एचआर और एंड शी शी और ही नोस यू दे नो ऑफ मी लाइक दैट कम मच लेटर अच्छा अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में बट दे न्यू की ये माइक्रोसॉफ्ट का बंदा था तो वो कॉल पे थी तो शी स्टार्टेड टेलिंग मी शी वाज लाइक यू नो देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू कांट टॉक अबाउट आई सेड आई नो यार आई हैव बीन इन माइक्रोसॉफ्ट शी सेड

तो इसको देखो इसको प्लीज़ पॉडकास्टिंग बहुत इजी एज, ईजी नहीं होती पीछे पूरी टीम खड़ी है इनकी बहुत मेहनत करते हैं ये करने के लिए तो इसको शेयर करो यार तो ये नहीं कि सुन के सुनके छोड़ दिया मेरा एपिसोड छोड़ो बाकी सारे एपिसोड सब शेयर करो मेक दिस पॉडकास्ट फेमस क्योंकि इसी से हमारी इको बढ़ती है जब ऐसे माइक के सामने ऐसे 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 या ऐसे। या, या। और ये इस, इस पे भी है सब ब्रांडिंग एवरीवेयर है सब ब्रांडिंग इन यार अब तो कर दो यार मतलब <laughs> बंदर ने कप पे लिखवा दिया और क्या चाहिए तुम्हें बजट बहुत हाई है हमारा टेंशन मत लो सर <ना>, <laughs> बजट मत बोल बाबू अनसब्सक्राइब हो जाएगा वहां पे नहीं नहीं गरीब लोग गरीब लोग अपकमिंग है अपकमिंग इसी में सपोर्ट करो

लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी